अस्सलाम वालेकुम, मलिक ऑटोज़ यूट्यूब चैनल की खुश आमदीद। आज आपको बताएंगे कि जो बैग गर्मैश करती है, गर्म होती है दोस्तों, उसकी वजह से ये लीकेज हो गई हो रही थी, तो इसीलिए इसको हमने खोला, चेक किया तो इसको मसला था दोस्तों। जो व्हील का बेयरिंग है दोस्तों, वो बिल्कुल ही ख़त्म हुआ पड़ा था दोस्तों। जैसे ही खोला वो उसके छर्रे बाहर आ गए। तो अभी वो भी दिखाते हैं आपको कि बैरिंग किस तरह टूटा है और कैसे टूटा है दोस्तों। ये सारी बैग जो है दोस्तों, उसी की वजह से जो है ये गर्म हो रही थी। तो अभी आपको चेक करवाएंगे दोस्तों कि ये किस तरह है। तो चलते हैं दोस्तों व्हील की तरफ। तो इसको बैरिंग नया लगाएंगे। ये बैरिंग के हिस्से हैं दोनों दोस्तों, इसके छर्रे होते हैं वो भी गिर गए खोलने में। तो इसमें एक बहुत ही बड़ा मसला आया करते हैं, ये देखें दोस्तों, ये थोड़ी सी गफलत की वजह से ये इसका जो है वो हाफ टूट गया दोस्तों। ये चलेगा अब तो नहीं चलेगा दोस्तों, एक दो सवारी बैठने से ये मुकम्मल ही टूट जाएगा दोस्तों। इस पर कोई एतबार नहीं है, तो बेहतर है इसको नया। इसमें थोड़ा सा मसला आया और उसी वजह से जो है वो जो दोस्तों बिल्कुल ही कहें कि 2-4 हज़ार का नुकसान हो गया दोस्तों, थोड़ी सी गफलत की वजह से। तो जो ही थोड़ा सा बैग हीट अप हो या दोस्तों कि चलने में थोड़ी साउंड नहीं दे रही है, और तो दोस्तों ये इसी की टूटने की वजह से दोस्तों इसका बैरिंग दूसरी साइड पे है, वो भी चेक करेंगे इसको कि वो तो दोस्तों बैरिंग ठीक है। ये दोस्तों इसका दूसरी साइड पे बैरिंग है, ये बिल्कुल ही ठीक है। अभी इसका गरारी का बैरिंग होता है तीसरा दोस्तों, वो भी चेक करेंगे। टूटने की वजह से जो है वो जो लेदर प्लेट है दोस्तों, ब्रेक शू बोलते हैं, लेदर ही है, बोलते हैं दोस्तों, तो ब्रेक शू के जो प्लेट है दोस्तों उसको भी रगड़ हुई है, उसको भी काफ़ी रगड़ हुई है। तो थोड़ी सी गफलत है तो नुकसान बहुत ज़्यादा है। गरारी बैरिंग है, इसको भी चेक करेंगे ताकि उसी की वजह से ये तो नहीं, इसको तो नहीं रगड़ लग गई, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो बैरिंग एक टूटने से वक्त पे हो जाता तो ये बिल्कुल ही नुकसान नहीं होता दोस्तों। जो व्हील ड्रम है वो बिल्कुल ही नहीं टूटता, तो दोस्तों ये 2-3 हज़ार का जो नुकसान है वो भी हो गया, और फ्यूल का ख़र्चा भी ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, उसको भी बहुत ही रगड़ लग जाती है। तो हीटर में जब बैलेंस बराबर ना हो तो बिल्कुल ही ऐसा ही होता है दोस्तों, जब व्हील जाम हो जाए तो बाइक भी जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो ज़्यादा दोस्तों। तो ये बैरिंग पुराना है, इसी की वजह से टूटने से जो है वो व्हील ड्रम जो है वो भी टूट गई, बाइक इंजन का भी नुकसान हुआ, उसका सीमें जो हीट अप की वजह से दोस्तों वो भी लीक हो गई आपको। तो ये दोस्तों नया बैरिंग है, कोई महंगा नहीं है, का नुकसान हो गया तो थोड़ी सी गफलत से। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी से जुड़े रहें दोस्तों, हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम, नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होते हैं।